चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से उस्मान बुज़दार और साबिक वज़ीरा के वफ़द की मुलाकात हुई है। इस वफ़द ने हुकूमत की जानिब से इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से आगाह किया। परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत भी की और कहा कि पंजाब पुलिस अरकान पंजाब असम्बली और स्टाफ को बेजा हरासा कर रही है। मजीद तफसीला जानेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताएगा इस मुलाकात में मजीद क्या उमूर ज़ेरे गौर है? पंजाब में जो परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और साबिक वज़ीरा ने मुलाकात की। इनमें साबिक वज़ीर कानून बिशारत राजा, मियां महमूद रशीद, चौधरी ज़हीरुद्दीन और दीगर शामिल थे। इस मौके पर वफ़द ने चौधरी परवेज़ इलाही को हुकूमत की जानिब से अपने खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात और दीगर इंतकामी कार्रवाइयों से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करने और हरासा करने की मजम्मत की। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब पुलिस जो है वो अरकान पंजाब असम्बली और स्टाफ को जो है बेजा हरासा कर रही है। बजट इजलास की तैयारी करने वाले असेंबली स्टाफ को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जब असेंबली स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो फिर बजट इजलास कैसे होगा? जाली उपरांत मौजूद अरकान असेंबली के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रवायात को पामाल कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बड़ा सवाल बजट के हवाले से, बजट इजलास के हवाले से उठा दिया है कि अरकाने जो असेंबली है उनके साथ साथ असेंबली स्टाफ जो कि बजट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पंजाब पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ऐसे में बजट इजलास कैसे हो सकता है? तो यूं लगता है कि बजट इजलास के मौका पर भी जो है वो शदीद हंगामा राई का खदशा है। जिस तरह तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो आज ये पीटीआई की पार्लिमानी लीडरशिप और चौधरी परवेज़ इलाही ने इस हवाले से बजट इजलास के लिए जो है वो एक आला सतह की मुशावरत की है और अपनी हिकमत अमली तय की है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, अपडेट किया आपने।